जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान एकेडमी में। तो आप सभी को मैंने जैसे कि बताया था कि एयरफोर्स में न्यू वैकेंसी आई है, अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर लें। कैसे फॉर्म अप्लाई करने वो मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था, फिर से एक बार मैं आप सभी को रिवाइज करा देता हूँ। उससे पहले आपको बता दें कि आपने एयरफोर्स का फॉर्म नहीं भरा, एयरफोर्स का फॉर्म भर लें। साथ में ये हमारा टेलीग्राम है जिसका नाम है टॉपर ज्ञान एकेडमी, अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर लें, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, या फिर आप लोग डायरेक्ट सर्च करें चलिएगा। वैकेंसी देखते हैं, आप सभी को नोटिफिकेशन भी आप सभी को यहाँ पर नहीं मिल जाएगा, तो मैं इसका जो नोटिफिकेशन है एक बार ओपन कर लेता हूँ चलिएगा। तो ये आप सभी का स्टेप से नोटिफिकेशन आता है। एयरफोर्स में न्यू भर्ती निकाली गई है भारतीय वायुसेना में, और ये जो भर्ती होंगी ये भी आप सभी की अग्निवीर के तहत होने वाली है, ठीक है। कैसे अग्निवीर के तहत आप सभी की ये भी भर्ती होंगी। साथ में आपको बता दें इनका टाइम पीरियड बिल्कुल सेम चलेगा, मगर ये नॉन कॉम्बैट होंगी। नॉन कॉम्बैट यानी कि इनका काम वो नहीं होगा जैसे कि आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप का होता है एंड वाई ग्रुप का होता है, इनसे अलग काम होता है, नॉन कॉम्बैट, ठीक है। ये किसी भी आपके किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनके खुद के अपने अलग काम होते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर आप सभी की जो भर्ती है वो होंगी आप सभी की एयरफोर्स ग्रुप सी की। एयरफोर्स ग्रुप सी में यहाँ पर आप सभी की भर्ती निकाली गई है, किस चीज़ की, एयरफोर्स ग्रुप सी की। यहाँ पर आप सभी की वैकेंसीज हैं और आप लोग इसको आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 25 अक्टूबर, ठीक है, 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। यदि आपने फॉर्म अप्लाई आपको करना है तो 25 अक्टूबर लास्ट डेट है, आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो वैकेंसीज किस किस चीज़ की तो वो देख लेते हैं। तो आपको अगर इस वैकेंसी के बारे में बताते हैं तो इसमें हाउसकीपिंग और हॉस्पिटलिटी दो तरीके की वैकेंसीज हैं। इसमें काम क्या करना होता है, जो प्रोफाइल के आप सभी की हाउसकीपिंग जो आप सभी के उसमें आते हैं, आप सभी के सफाई वाला, लास्कर एंड वाशर एंड आपका वाटर कैरियर और बार बार धोबी मोची टेलर, ये सारे कुछ आते हैं आप सभी किस चीज़ में, हाउसकीपिंग में। कहाँ पर आते हैं, हाउसकीपिंग में इनका काम होता है, ठीक है। और ये आप सभी के लिए अगर आपको कहीं पर लड़ाई भड़ाई नहीं करनी है, सिंपल आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग जब इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई की आपकी जो लास्ट डेट है 25 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। साथ में आपको बता दें यहाँ पर कि इसमें जो आपका ड्रॉप एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस आप सभी को यहाँ पर, क्वेरी एड्रेस आप सभी का यहाँ पर ड्रॉप एड्रेस यहाँ पर है, ठीक है। जब आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे कहाँ के लिए भरना है आप लोग इसमें आराम से भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर दे रखा है आप सभी के लिए, अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो आप 10th पास हैं तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 10th प्लस या फिर आप सभी का मेट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट आप सभी के पास में है तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप सभी के यहाँ पर आते हैं कि आप सभी के पास आधार कार्ड होना जरूरी है, अगर आप लोग, ठीक है, आधार कार्ड आप सभी के पास होना जरूरी है। अगर आप लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर और असम मेघालय से हैं तो आप लोग अदर वैलिड कोई सा भी प्रूफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आगे बात करते हैं इसमें डेट ऑफ बर्थ क्या रखी गई है, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप सभी के पास बहुत है, यानी कि 31 दिसंबर 1999 से लेकर और आज 30 जून 2000 के बीच में जो कोई भी है वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है, 30 जून 2005 के बीच में जो कोई भी है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर आप सभी का कि इसमें ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, फीमेल नहीं है, वो भी अनमैरिड जिसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, अनमैरिड भर सकते हैं, ठीक है। अगर आगे यहाँ पर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर आप सभी का मैट्रिकुलेशन आपने पास किया तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बोर्ड से हो। हाइट की बात करते हैं 152.5 सेमी, ठीक है, 152 सेमी आपकी हाइट है तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और चेस्ट आप सभी की 5 सेमी फूलनी चाहिए, 5 सेमी आप सभी की यहाँ पर जो चेस्ट है वो फूलनी चाहिए कम से कम, ठीक है, यानी कि आपकी 76 है तो 81 आप सभी की यहाँ पर होनी चाहिए फूलने के बाद। आगे यहाँ पर बात करते हैं आप सभी के जो वेट है वो आप सभी के हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बात करते हैं बॉडी टैटू, आप सभी की बिल्कुल सारी चीज़ें सेम है। और आप सभी की है हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम, आप सभी की दो स्ट्रीम यहाँ पर है, हॉस्पिटलिटी एंड हाउसकीपिंग अलग अलग होंगी। ट्रेनिंग इन सभी की, आप सभी की अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैटेंट की आप सभी की यहाँ पर ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है। अगर बात करते हैं एक साल में 30 डेज की छुट्टी मिलेगी, 30 दिन की छुट्टी मिलेगी, यानी कि 12 महीने में से 1 महीने की छुट्टी होगी। साथ में मेडिकल लीव आप लोग अलग से ले सकते हैं। अगर पे अलाउंस की बात करते हैं, आपको सारा का जो पे अलाउंस है वो सेम मिलने वाला है किस चीज़ का, जो कि आप सभी का होता है कि आप सभी का एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के जो आप सभी की अग्निवीर वाली है बिल्कुल सेम आप सभी का पे। और सभी को जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, तो 21,000 रुपये आप सभी को यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है, 30,000 रुपये की सैलरी होगी और आप सभी को 70% आपको मिलेगा, यानी कि 21,000 रुपये हर महीने सैलरी आप सभी की होने वाली है। बाकी आप सभी का फंड जुड़ने के बाद मिलेगा 5 लाख रुपये, ठीक है। और आप सभी का 10 लाख रुपये सेवानिधि पैकेज मिलेगा, साथ में मेडिकल और आप सभी का इंश्योरेंस होगा। साथ में अगर बात करते हैं तो आप सभी का सबसे पहले होता है रिटर्न एग्जाम, जिसमें आप सभी का 20 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होगा और 30 नंबर का आपका एसपीटी, ठीक है,
स्ट्रीम प्रोफेंसी टेस्ट आप सभी के यहाँ पर होने वाला है, फिर आप सभी का फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल का आप सभी का मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें फिट और अनफिट होगा, ठीक है। आप सभी के यहाँ पर इंग्लिश और जनरल नॉलेज दो तरीके के एग्जाम होंगे, जो 10-10 नंबर के होंगे, जो कि काफ़ी आसान है आप सभी को यहाँ पर जॉब लेना, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करते हैं आप सभी के यहाँ पर फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया आप सभी का क्या होने वाला है, तो आप सभी को 10 पुशअप्स मारने हैं, 10 सिटअप्स मारने हैं एंड 20 स्क्वाट्स आपको यहाँ पर मारने हैं, ठीक है। काफ़ी प्यारा है, आप लोग कर सकते हैं एक मिनट के अंदर। मेडिकल आप सभी का सेम होने वाला, कुछ भी चेंज वहाँ पर नहीं होगा। अप्लाई कैसे करने, तो आपको यहाँ पर जो फॉर्म है फॉर्म भर के इसको अप्लाई कर देना है। तो फॉर्म कहाँ पर है इसको देख लेते हैं, तो फॉर्म आप सभी को यहाँ पर स्टेप से मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। ये फॉर्म नहीं है, मैं आप सभी को ये आप लोग इसको भी भर के भेज सकते हैं, या फिर एक फॉर्म इसके लिए अलग से भी आप लोग उसको भर सकते हैं, वो मैंने टेलीग्राम पर आप सभी का गेयर रखा है। आप लोग जाएंगे टेलीग्राम पर आप सभी को मिलेगा एयरफोर्स ग्रुप सी फॉर्म, यहाँ पर आप सबका स्टेप से, ठीक है। यहाँ से जाएंगे आप लोग, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फाइल्स पर जाएंगे, फाइल्स आप सभी का यहाँ पर एयरफोर्स ग्रुप सी ऑफलाइन फॉर्म आप सभी का मिलेगा। स्टेप्स आप लोग इसको आराम से भर देंगे, कैसे भरना है मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में बताया था, आप लोग जाकर देख सकते हैं। स्टेप्स आप लोगों को मिलेगा, इसको आराम से फिलअप करें, फिलअप करने के बाद इसको सारा फिल करेंगे, ठीक है। अगर आपका डाउट हो जाता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। लास्ट डेट आप सभी की 25 अक्टूबर है, तो आप लोग उससे पहले पहले इसको जो आराम से फॉर्म को भर लें। अगर किसी का कोई भी डाउट बनता है किसी भी तरीके का तो आप लोग बता सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।